हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स जिन्हें की हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है हमारा स्ट्रांग, जिसका मतलब होता है मजबूत। इसका अपोजिट होता है वीक, यानी कि कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लीन, यानी कि साफ। इसका अपोजिट होता है डर्टी, यानी कि गंदा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मॉल, यानी कि छोटा। इसका अपोजिट होगा वीक, यानी कि बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। इसका अपोजिट होगा एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा। अगला वर्ड है हमारा नॉर्थ। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर। इसका अपोजिट होगा साउथ, यानी कि दक्षिण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीस, यानी कि शांति। इसका अपोजिट होता है वार, यानी कि युद्ध। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंपल, हिंदी में इसे बोलेंगे साधारण। इसका अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मॉल, यानी कि छोटा। इसका अपोजिट होगा लार्ज, यानी कि बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने। इसका अपोजिट होगा बैक, यानी कि पीछे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। इसका अपोजिट होगा स्लो। इसके बाद का वर्ड है हमारा ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। इसका अपोजिट होगा वेट, यानी कि गीला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैलो। सैलो का मतलब होता है छिछला। इसका अपोजिट होगा डीप, यानी कि गहरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लो। लो का मतलब होता है निम्न। इसका अपोजिट होगा हाई, यानी कि उच्च। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। इसका अपोजिट होगा एनिमी, यानी कि दुश्मन। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। इसका अपोजिट होगा डिस्ट्रॉय, यानी कि नष्ट कर देना। अगला वर्ड है हमारा ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। इसका अपोजिट होगा कावर्डली, यानी कि कायर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। इसका अपोजिट होगा सेफ, यानी कि सुरक्षित। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। इसका अपोजिट होगा गिल्टी, यानी कि दोषी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किंग। काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। इसका अपोजिट होगा क्रूएल, यानी कि क्रूर। इसके बाद के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा लूज। लूज का मतलब होता है हार। इसका अपोजिट होगा विन। विन का मतलब होता है जीत। अगला वर्ड है हमारा नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल। इसका अपोजिट हो जाएगा क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। इसका अपोजिट होगा रिच। रिच का मतलब होता है अमीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। इसका अपोजिट हो जाएगा वीक, यानी कि कमज़ोर। अगला वर्ड है हमारा थिन। थिन का मतलब होता है पतला। इसका अपोजिट हो जाएगा थिक। थिक यानी कि मोटा। अगला वर्ड है हमारा ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। इसका अपोजिट हो जाएगा क्लोज, यानी कि बंद। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। इसका अपोजिट हो जाएगा टॉल। टॉल मतलब होता है लंबा। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। इसका अपोजिट हो जाएगा नैरो, यानी कि संकीर्ण। इसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा स्टार्ट, यानी कि शुरू करना। इसका अपोजिट हो जाएगा फिनिश, यानी कि समाप्त करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।